तो सभी को जय हिंद मैं जुवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका टीचर ट्वेंटी फोर सेवन पर तो आई होप मेरी आवाज सभी को साफ सुनाई दे रही होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज का जो सेशन है वो किस पर बेस्ड है करंट अफेयर स्पेशल है नवंबर के लास्ट वीक से अभी तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है वो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा जो आपके आने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से करिएगा क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा ये क्वेश्चन यह कह रहा है कि विच बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट जियो फाइव जी सर्विस इस साल दिवाली के अवसर पर दिवाली के उत्सव पर जियो ने भारत में अपनी फाइव जी सर्विसेस को लॉन्च करा था और भारत का ऐसा पहला स्टेट जिसकी सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका जियो सर्विस फाइव जी प्रोवाइड की जाएगी तो वो कौन सा है तो ध्यान रखेगा वो डिस्ट्रिक्ट क्या कौन सा है आपका गुजरात क्योंकि रिलायंस गुजरा, की जो फाउंडेशन है वो एक्चुअली गुजरात से ही होती है तो गुजरात इसका राइट right आंसर है ध्यान रखेगा और अभी गुजरात के ऊपर एक चीज और भी है गुजरात में भी इलेक्शन हुए तो गुजरात के गवर्नर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं कितनी सीट्स है इस इसके so, इस पे ऊपर भी सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका राइट आंसर होगा फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ गेस्ट अभी हमारा रिपब्लिक डे सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करेंगे ओके okay, 2030 को तो 74th रिपब्लिक डे जो हमारा सेलिब्रेट किया जाएगा 2030 को 23 को उसमें कौन से देश के आ, राष्ट्र अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर हमने आमंत्रित किया है तो सविता पवार मंजू बाला देखिए कल भी मैंने एक टॉपिक लिया था कि फाइव टिप्स तो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का ना हो तो आपको थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट अपने टाइम का मेहनत का करना पड़ता है ये ऐसी चीज है जो आपको टाइम देके ही समझ में आती है तो डेली बेसिस पर पे न्यूज पेपर पढ़ें। तो जरा बताओ कि कौन से देश के तो ध्यान रखिएगा इजिप्ट इजिप्ट को हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल नील नदी का उपहार बोलते हैं और इसके जो प्रेसिडेंट है इसके जो प्रेसिडेंट है जो अभी भारत आएंगे उनका नाम है अब्दल ओके okay, अब्दल नसीर अल अब्दुल नसीर अल सिसी, ये आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं जो भारत आएंगे ओके सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA यह IOA जो संस्था है 1927 में बनी थी जरा ध्यान रखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डाटा भी दूंगा यहां पर लिख लीजिएगा देखो 1927 में आपकी क्या बनी थी आई ओ ए और इसकी पहली विमेन आपकी बनी है वो कौन बनी है पीटी उषा जी बनी है कौन बनी है पीटी उषा जी ये चीज ध्यान रखिएगा अब इसी तरीके से ध्यान रखिएगा उन्नीस में आपकी क्या बनी थी बी सी सी आई बनी थी उन्नीस में आपकी क्या बनी थी बी सी सी आई बी सी सी आई के हेड कौन बने हैं नए तो उनका नाम है रॉजर बिन्नी ये अभी चेंज हुए हैं हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स संस्थाएं हैं रोजर बिनी और 1935 में आपकी बनी थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ क्योंकि अभी आपने अगर आप पिछले तीन चार महीने की न्यूज देखेंगे तो आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में भारत में फीफा का अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप हुआ था और जो फीफा एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल कराते हैं उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को Uh, uh, क्या कर दिया था उसकी सदस्यता रद्द कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या करा उसमें जो भी गड़बड़ियां थी उनको तो ठीक करा फिर अंडर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ इसके जो हेड बने हैं उनका नाम है कल्याण चौबे और कल इनका बयान भी आया है कल्याण चौबे जी का कि भाई 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप आपका कहां पर होगा यूएसए में होगा उसमें भारत खेल सकता है ठीक है और दूसरी चीज ध्यान रखेगा कि 1925 में आपका क्या बना था इंडियन हॉकी एसोसिएशन आई एच ए और इसके जो हेड है वो कौन है दिलीप हैं ठीक है थीके? दिलीप तिरकी ये भी इसी साल बने हैं तो मैंने यहां आपको सारी चीजें आपकी बता दी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा जय श्री राम जय हिंद जय भारत चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन ये है अब आपको बताना है कि भारत के कौन से स्टेट में इंटेग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी बाय स्काई रूट एरोस्पेस ये स्टैब्लिश किया गया है जल्दी से बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका तो ध्यान रखेगा ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्काई रूट एयर स्पेस और इसको कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है तेलंगाना में किया गया है वैसे तो हैदराबाद में किया गया था लेकिन तेलंगाना की कैपिटल आपकी हैदराबाद ही पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन मोना लोआ Loa, जो है ये विश्व का सबके सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है दो ज्वालामुखी इस बार हमारे एक्टिव हैं विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ठीक है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ठीक है ये है और यानी वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्व वर्ल्ड वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल कैनो एक्टिव वॉल कैनो तो अब आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल कैनो यूनाइटेड स्टेट्स का वो कहाँ पर है तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक सबसे छोटा स्टेट है हवाई ये एक आइलैंड है पर्ल हार्बर भी इसी पर ही था ठीक है आइलैंड है ये इसमें है आपका पैसिफिक ओशन में पैसिफिक ओशन में और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है इसको पैसिफिक ओशियन का चौराहा क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन कहा जाता है ओके हेलो सर, ओके 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 खारवार हेलो सर वेलकम ओके चलो बिल्कुल सो so, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई विक्रम विक्रम ये भारत का क्या है इंडियाज इंडियाज फर्स्ट ठीक है प्राइवेट रॉकेट है ठीक है इंडिया का भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है इसको किस किस ने लॉन्च करा स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड ध्रुआ स्पेस बैलेट्रिक्स एयर स्पेस या अग्निकुल कॉस्मोस अब एक चीज ध्यान रखेगा यहां पर एक चीज ध्यान रखेगा विक्रम तारा भाई ठीक है विक्रम सारा भाई ये जो विक्रम सारा भाई जी थे इन्हें भारत में स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता फादर क्योंकि इसरो वगैरह इन्हीं के समय में थी फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया भारत में स्पेस प्रोग्राम का जनक इनको कहा जाता है तो आप बता सकते हो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ओके okay? हम्म बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगी आप इसको नोट जरूर बनाइएगा तो अग्निकुल अग्निकुलसमोस इसका राइट आंसर है क्या आंसर है इसका अग्निकुल कॉस्मोस इसका राइट आंसर है ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये तो करंट अफेयर्स में जो मर्जी करा दो लेकिन जो आपके पेपर में आएंगे ना वही आपको करा रहा हूं ठीक है कम क्वेश्चन लो एनर्जी हाई इंपैक्ट अगला क्वेश्चन question, आप क्वेश्चंस का खुद ही देख लीजिए जैसे महिला सशक्तिकरण पर बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है और भारत का क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है तो पहली बार इनकी जो पुलिस महानिदेशक बनी है पुलिस कमिश्नर बनी है क्योंकि वहां पर क्या होता महानिदेशक डायरेक्टर जनरल होते हैं तो वो कौन बने हैं कौन महिला बनी है सुजाता सिंह नीरा रावत लक्ष्मी सिंह या नीति द्विवेदी कल परसों न्यूज में भी था इनका नाम तो ध्यान रखेगा आईपीएस ऑफिसर बनी है आपकी लक्ष्मी सिंह ये क्या बनी है उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को लाइक जरूर करेगा धारावी मुंबई में पड़ता है और विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया है विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया है तो अभी मुंबई का ये जो धारावी है इसको रीडेवलप करना कि इसको पुनर्स्थापित जैसे दिल्ली हमारे यहाँ कॉलोनीज होती हैं झुग्गी झोपड़िया होती हैं उनको एक अच्छे से तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में हम बना सके तो धारावाही के लिए पांच हजार सत्तर करोड़ लगभग उनहत्तर करोड़ का एक बिड लगाया है कौन से ग्रुप ने अडानी ग्रुप ने टाटा ग्रुप ने डीएलएफ ने या आदित्य बिरला ग्रुप ने तो यह आपका किसने बनाया है यह आपका अडानी ग्रुप ने इसको बनाया है अडानी ग्रुप गौतम अडानी यस यसोनी वेरी गुड आपने सही आंसर दिया अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इंपॉर्टेंट है अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे <coughs> कि विच ऑफ फॉलोइंग म्यूजियम हैज वोन यूनेस्को पैसिफिक यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंस्ट्रक्शन तो कल्चरल हेरिटेज कंस्ट्रक्शन के लिए किसको कौन से ने अवार्ड जीता है एक इसी तरीके से जियो हेरिटेज साइट भी है तो जरा बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ओके okay, बताओ व्हाट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल सर, आपको फ्राइडे को भी करंट अफेयर्स कराए थे वो भी क्लास आप जरूर देख लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये इंडिया के पहले रेलवे स्टेशन में से एक है विक्टोरिया टाइम में बने हुए बिल्कुल सी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा हु हैज सेट बिकम फर्स्ट व्यूमेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाएगा कि हु सेट टू बिकम या जो बनी है फर्स्ट फीमेल रेफरी वर्ल्ड कप गेम वर्ल्ड कप गेम में पहली फीमेल यानी मेल के मैच में पहली फीमेल रेफरी कौन बनी है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है स्टेफनी फेपार्ट ठीक है स्टेफनी फेपार्ट और ये कहां से है कौन से देश से है ये फ्रांस से है ये कौन से देश से है आपका फ्रांस से है इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा ओके ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप डेफिनेटली देखिएगा इस पर बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे नेक्स्ट मित्र एन इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री ट्री बी मुक्त अभियान ओके तो आपको निश्चय मित्र के बारे में पूछा गया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान तो इसके लिए कौन किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दीपा मलिक अमिताभ बच्चन जी पीवी सिंधु जी या फिर नीरज चोपड़ा जी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा ये जो आपकी बनी है ये कौन बनी है दीपा मलिक दीपा मलिक पहली ऐसी पैरा एथलीट थी महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है मैं आपको कम क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो निश्चित ही आपके एग्जाम में आएंगे जो निश्चित ही आएंगे ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर है फिर देखिए चौबीस अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी अब जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तीन मुख्य अंग होते हैं एक तो होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ठीक है अब जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें पांच सदस्य तो परमानेंट होते हैं भारत चाहता है कि इसका सदस्य बन जाए परमानेंट लेकिन चाइना नहीं बनने देता और 10 सदस्य इसके नॉन परमानेंट होते हैं जनवरी 2020 से भारत 2022 के दिसंबर तक दो साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस साल एक दिसंबर को भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता क्योंकि हर महीने इसमें अध्यक्ष बनते हैं हर महीने और जी ट्वेंटी की भी जो जी ट्वेंटी की भी जो अध्यक्षता हमें मिली है वो एक दिसंबर 2022 को मिली है ठीक है एक दिसंबर 2022 तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लार्जेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर आपका भारत के कौन से केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया गया है ओके okay, लार्जेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर भारत के कौन से केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया गया है पुदुचेरी दमन लद्दाख या जम्मू कश्मीर तो आप ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे वहां पर डेवलपमेंट कर रही है जैसे वहां पर आपका योटा सेंटर बना रहे हैं बैम्बू प्लानिंग आपकी कर रहे है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच कंट्री यूज स्टीम टू प्रोपेल मून स्पेस क्राफ्ट बड़ा ही यूनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उन जब जापान खैर इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता तो जापान जापान अभी कल की न्यूज कल की न्यूज के कारण कल परसों में उसके जो फ्यूमो किशिदा है उन्होंने क्योंकि पहले जापान केवल अपनी डिफेंस फोर्सेस रख सकता था जिनको जापान डिफेंस फोर्सेस कहा जाता था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब हम अपने जीडीपी का टू परसेंट ना हमने डिफेंस पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि चाइना जो है हम पे खतरा बना रहा है तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर आप जापान लगाइएगा ओके तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन के स्तर से देख लो जी ट्वेंटी दो हजार तेईस में इंडिया में होनी है और इसका कार्यक्रम आपका तो जनवरी से ही शुरू हो जाएगा तो जनवरी में पहली जी ट्वेंटी की शेरपा की मीटिंग होगी तो मीटिंग कहाँ पे होगी वैसे तो जी ट्वेंटी की समिट जो है कश्मीर में भी होगी लेकिन ऐसे फिफ्टी फोर होंगे पूरे साल में सबसे पहली इवेंट तो होगी आपकी जो है कहाँ पर आपका उदयपुर में ध्यान रखिएगा सबसे पहली मीटिंग क्या होगी उदयपुर में होगी और आपका न्यू दिल्ली प्रकृति वाहन है ना हमारा यहाँ पर जी ट्वेंटी की समिट होगी फिर आगे चल के चलिए आगे बढ़ते हैं पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस मनाया जाता है तेईस जनवरी को ठीक है क्योंकि तेईस जनवरी को भारत माँ के लाल नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है ठीक है ओके तो नेताजी के जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं तो आपको बताना है कि पराक्रम दिवस इस बार कौन से राज्य में मनाया जाएगा वैसे एक चीज आप देख सकते हैं जिस स्टेट में इलेक्शन होंगे वहां पे होगा गुजरात में हो चुके हैं इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में 2024 में होंगे राजस्थान में अगले साल होंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ following स्टेट तो राजस्थान में ये आयोजन किया जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन डॉलर ओके यानी ढाई टू फिफ्टी मिलियन डॉलर आपके दिए हैं एक तरीके से पच्चीस करोड़ डॉलर दिए हैं इसके लिए एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए तो वो कौन सी कंट्री को दिए हैं ये ओके okay, देखते हैं आप वैसे कितने लोग इसका आंसर देते हैं वर्ल्ड बैंक ये ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है इस वजह से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है तो 250 मिलियन डॉलर कौन सी कंट्री को दिए हैं और उस कंट्री को दिए हैं जिसने अपना आज क्या है 18 तारीख है दो दिन पहले अपना इक्यावनवा स्थापना दिवस मनाया है तो अपना इक्यावनवा स्थापना दिवस किसने मनाया बांग्लादेश भारत ने बांग्लादेश को क्योंकि बांग्लादेश में सुंदरबन का पार्ट आता है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब देखो एक वॉल कैनो आपने सुना मोहन लोआ जो यूएसए में अभी हाल ही में चार दिसंबर जो भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं हम चार दिसंबर को तो आपका एक वॉल कैनो इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में तो मोहनालोवा तो आंसर नहीं होगा माउंट एटना भी नहीं होगा माउंट एटना आपका इटली में पड़ता है माउंट सेमेरू और माउंट मेरापी ये दोनों आपके कहां पे पड़ते हैं इंडोनेशिया में और माउंट सेमेरू में इस बार इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया में तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर है अगला क्वेश्चन भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये कहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया रियल टाइम यानी आप जैसे एटीएम से मनी को borrow कर सकते हैं उसी तरीके से आप इस रियल टाइम एटीएम से आप गोल्ड को बारू कर सकते हैं तो बताओ भारत का ए रियल टाइम एटीएम गोल्ड एटीएम कहां पर स्टेब्लिश किया गया है ओके फटाफट जल्दी से बताओ न्यू दिल्ली अहमदाबाद हैदराबाद या भोपाल ओके नहीं कल हुई नहीं वो एक्चुअली जिनको क्लास लगानी चाहिए वही लीब पे थे तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हैदराबाद इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया ओके okay, तो ये क्वेश्चंस थे आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चंस आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाकी कल से हमारे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं पीआरटी के लिए साइंस के लिए सोशल साइंस के लिए इंग्लिश के लिए इस और आपका केमिस्ट्री लाइब्रेरी कॉमर्स और संस्कृत के लिए तो इन अगर बैचेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कोड को यूज करके ओनली वन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी नाइन रुपीज में आप ज्वाइन कर सकें इसमें आपके रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आपको फुल, फुल तरीके से यानी आउट ऑफ मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है मेरा उद्देश्य यही है कि टेन आउट ऑफ टेन आपको मैं स्कोर करवाऊँ ताकि ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम है उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो और आप फाइनली मेरिट लिस्ट में आके सिलेक्ट हो सके तो इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करेगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके आपका जो कंपटीशन है वो लाखों से और आपको एकदम विलक्षण प्रतिभा का क्या करना होगा उसके साथ अपने आप चलना पड़ेगा के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेगा क्योंकि आप परचेज भी इसी से करेंगे ज्वाइन भी इसी से करेंगे एनरोल भी इसी से करेंगे क्लास भी इसी पे होंगी इस पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे उसी के बेसिस पे डेली क्विजेस भी करिएगा मैगजीन नोट्स आर्टिकल वीडियो पावर कैप्सूल सब्जेक्ट वाइज के साथ जॉब ये सारी चीजें आपको उसमें प्रोवाइड की जाएंगी आई होप बिल्कुल आपको ये समझ आया होगा डी डी ट्रिपल एस सीबी के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है ठीक है सो so, सेशन को लाइक like जो करेगा शेयर जो करेगा मैं मिलूंगा कल सुबह आठ बजे दोबारा से के की जनरल नॉलेज क्लास में तब तक के सभी को जय हिंद जय भारत गोड ब्लेस यूर